मेडिकल एंड नर्सेज साहब, ये रिजल्ट मोस्ट ऑफ दी लोग हैं जो कल देख चुके होंगे, 12 तारीख को ये रिजल्ट आया था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यूपीएससी ने जो 1900 प्लस वैकेंसी के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आपको ये रहा, उसका रिजल्ट अनाउंस हो गया है। अभी यहाँ पर आप अपना जो रिजल्ट है कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये जो PDF है और ये जो रिजल्ट है आपको UPSC की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन सेक्शन है वहाँ पे आपका ये रिजल्ट टॉप पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट कैसे देखना है और करना क्या है कि जिन भी लोगों के यहाँ पर ये नाम आए होंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। प्रोविजनल लिस्ट है, रोल नंबर का जो ऑर्डर वाइज लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो एज पर द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है यहाँ पर, उनके यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए, नंबर वगैरह नहीं दिए हुए हैं। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर आया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी लोग, जो भी रोल नंबर यहाँ पे उनके आए हैं तो यहाँ पर उनको आफ्टर कंप्लीशन एक फॉर्म है जो फिलअप करना होगा अकॉर्डिंग टू आपके जॉन के, यहाँ पर आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट है जो पढ़ लेना है। देन आफ्टर आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आया है, प्रोविजनल लिस्ट आई है, 1930 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर ESIC UPSC के थ्रू रिजल्ट अपलोड किया गया। अब आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, इतने सारे रोल नंबर्स हैं तो यहाँ पर आपको एक एक करके चेक करना है। सभी रोल नंबर्स यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताई गई है कि क्या है, लेकिन यहाँ पर जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके यहाँ पर रोल नंबर है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर और जिनके आप रोल नंबर वाइज नहीं आए हैं, नाम नहीं आया है, यहाँ पर रोल नंबर आया है, तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि आफ्टर दैट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देखिए यहाँ पर मार्क्स हैं जो उनके, तब पता चलेंगे जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगी। अभी आपको मार्क्स से जो पता नहीं, ओनली शॉर्ट लिस्ट आप यहाँ पर किए गए हैं, आगे आपको और नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट के थ्रू ही। इन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो भी डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप यहाँ पे UPSC का जो टोल फ्री नंबर होता है वहाँ पे तो आप पूछ ही सकते हैं अपने डाउट, लेकिन जो लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हैं और जो नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए थे आप उनको अब अपने रेडी रखिए। तो आई होप आपके लिए जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 8 पेज की PDF है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिससे आप डायरेक्ट इस PDF को है जो ओपन करके देख सके UPSC की वेबसाइट से ही। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं वो अलग अलग जॉन वाइज जो ESIC की वैकेंसीज हैं वो आपको बाद में पता चलेगा कि आपने किस जॉन से कहाँ के लिए किया था। फर्स्ट थिंग आपको लेट से कि आपका जो रोल नंबर है यहाँ पर 01000087 है, तो यहाँ पे आप जब ये डालेंगे तो आपको चाहे आप लैपटॉप में खोलते हो या फ़ोन में खोलते हो तो भी आपको ये नंबर है जो मिल, आपका जो भी रोल नंबर हो आप यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं। कोई भी डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं।